नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं ब्रेड एंड कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री के बारे में। ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एक बहुत ही अहम जुज़ है और ये बहुत बड़ा जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्री है। ये छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब मिलती है और ये एक बेसिक फूड है, आइटम है। बेसिकली ये रोटी है और इसको हम ब्रेड कहते हैं, थोड़ा सा इसमें इसका नाम बदल देते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इसको बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रफत जमशेद खान साहब जो कि जनरल मैनेजर हैं सोना ब्रेड के। रफत, अभी बता रहे थे आपके क्या आपको मुश्किलात हैं आपके इंडस्ट्री को। इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे को रॉ मटेरियल और प्राइजेस की प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी लोग जो हमारी आवाम है वो इतनी लो प्राइजिंग की है, वो कहती है हमें सस्ती चीज़ दें, सस्ती रोटी दें, लेकिन जो रॉ मटेरियल ज़्यादा कीमत बढ़ा नहीं सकते, ज़्यादा कीमत हम बढ़ा नहीं सकते उनकी वजह से। लेकिन जो रॉ मटेरियल कॉस्ट इस वक्त है, जैसे शुगर है, मैदा है और इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर हम डालते हैं, कुछ इम्पोर्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा, उनके प्राइजेज इतनी ज़्यादा हैं कि हम इसको कम नहीं कर सकते। इसके साथ टाइट होते जा रहे हैं, एक तरफ से कॉस्ट बढ़ रहा है, ऊपर से प्राइस भी बढ़ा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त कॉस्ट मार्जिन कम होता जा रहा है और हम क्योंकि ये छोटे लोग रोज साइड में भी यूज़ होती है ब्रेड, अब नॉर्मली पराठे और रोटी की जगह पे इस्तेमाल हो रही है और सुबह नाश्ते में सभी इसको यूज़ कर रहे हैं। इसकी सेल पहले लग्जरी थी, बड़े लोग इस्तेमाल करते, लेकिन अब ये छोटे लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं और वो अब इस पोजिशन में नहीं है कि वो ब्रेड को ख़रीद सकें उसके प्राइजिस बढ़ने की वजह से। लेकिन जैसे अब आगे भी आ रहा है, इस पर सेल टैक्स लग रहा है, अगर सेल टैक्स लग जाता GST? है जीएसटी भी ब्रेड के ऊपर, फूड पे नहीं लगेगा ये तय था। नहीं, ये जैसे अभी फूड और मेडिसिन को उन्होंने एग्जम्पशन दी है, जैसा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग आपके नॉलेज में होगा, लेकिन जो हमारे उसमें अभी प्रॉब्लम्स आ रही है और हमें ऐसा लग रहा है कि जीएसटी लग जाए हमारे ब्रेड के ऊपर, ये फूड की तरफ से ही हमें लेटर मिला है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेटर आ चुका है उसकी तरफ से नोटिसेस भी आए हैं ब्रेड इंडस्ट्रीज में और लेटर भी आया है जो इसके ऊपर जीएसटी सेल टैक्स लगाना चाह रहे हैं। 17% अगर सेल टैक्स लग जाता है तो एक आम आदमी ब्रेड नहीं खरीद सकता, वो जो एक 18-20 रुपये की रोटी लेता है वो 25 रुपये की ब्रेड नहीं ले सकेगा। अगर एक नॉर्मल जो ब्रेड इस वक्त 52 रुपीस की मिलती है, जीएसटी लगने के बाद वो 61 रुपीस की हो जाती है, तो वो 17% लगा रहे हैं। जी, 17% जी इस पे जीएसटी। ये तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिकल लीडर्स की और पार्लियामेंट में हर जगह ये बात हो चुकी है कि ऐसी चीज़ जिसके ऊपर डायरेक्टली आवाम को असर पड़ेगा वहाँ जीएसटी नहीं लगेगा। जी बिल्कुल, ये बात हुई है, लेकिन इस वक्त आपके पास कुछ लेटर मौजूद है? जी हाँ, इस वक्त यहाँ पे नहीं, लेकिन जो हमारे साथी हैं, कोलीग्स, कंपनीज हैं, उनके पास बकायदा लेटर आया है कि आप इतना जीएसटी के हवाले से जो आपने पिछले नहीं पे किया है, अच्छा, उसको, वो भी दे। उसको भी आप दें, बैक डेट से आप उसको पे करें, इस तरह से उन्होंने लेटर्स भेजे हैं। जो एक ब्रेड बेसिकली रोटी है, अगर रोटी के ऊपर आप टैक्स लगा देंगे तो आवाम क्या खाएगी, आवाम किस तरह से खाएगी। दुश्मन बात हो गई, दुनिया भर में रोटी पे हमेशा सब्सिडी दी जाती है। अब हमें चाहिए, जैसे चाहिए कि अगर ये ब्रेड मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये कुछ प्राइस लो करके दें, जो हमें इंग्रेडिएंट्स मिलता है, जो मैदा हमें मिलता है, उस पर कुछ सब्सिडी देनी चाहिए इनको, ताकि लो कॉस्ट के ऊपर प्रोड्यूस करके टैक्स लेने के और कोई जगह नहीं बची तो बेचारे रोटी एक तरफ बेसिकली आप रोटी कह लीजिए कि जिस पंजाब में वो सब्सिडाइज करके 2 रुपए की रोटी खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसको भी हम रोटी ही मान लें, रोटी है उर्दू में इसको रोटी कह लिए, ब्रेड को आप रोटी ही कहने से क्या फर्क पड़ता है, चीज तो वही है। तो एक तरफ आप सब्सिडी दे रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ आप जीएसटी लगा रहे हैं, ये कैसी बात हो गई। और वो रोटी के ऊपर अगर आप टैक्स लगा देते हैं तो फिर आवाम रोटी खाएगी नहीं, छोड़ देगी, वो भूखे मर जाए, तो भूखे मर जाए या किस तरह से वो सरवाइव करेगी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, इस वक्त तो अभी जो है, अभी आपके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है? नहीं, इस वक्त नहीं। तो आपके पास कोई उसका डिपार्टमेंट भी नहीं होगा एडमिनिस्ट्रेशन का के नहीं ऐसा मेंटेन करना और ये करना वो करना? जी बिल्कुल, अब अगर जीएसटी लगेगा तो पूरा एक आपको डिपार्टमेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, अगर ये इस इंडस्ट्री पे जीएसटी लग जाता है और उसके हवाले से आपको सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है सारी चीज़ें, तो उसमें भी आपको फिर और एक्स्ट्रा एक बटन पड़ जाता है कंपनी के ऊपर, जो आप उसके लिए एक पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट जिसको कह लीजिए मेंटेन जो उसको मेंटेन करेगा, उससे भी एक दो रुपए का फर्क आ जाएगा, उससे भी कॉस्ट में कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। तो बहुत बड़ी खबर आप सुना रहे हैं। तो लेकिन ये इस प्रोग्राम का ये फायदा हो कि लोगों तक ये बात, मुझे तो नहीं पता थी, आप ही ने बताया अभी। जी, आपके प्रोग्राम के थ्रू, बल्कि ये इनको भी चाहिए और आवाम को भी। अच्छा, अखबार वगैरह में कहीं इसका जिक्र नहीं है? नहीं, अखबार में एक दो एड्स हमने दिए थे, इसके खिलाफ हमने अपील की है
और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की है कि आप ब्रेड के ऊपर GST ना लगाएं, सेल टैक्स ना लगाएं, ताकि ये इसकी प्राइस ऐसी रहे। अभी भी बहुत ज़्यादा प्राइस है हमारे हिसाब से, लेकिन वो मजबूरी है रॉ मटेरियल कॉस्ट को मैच करते हुए। रोटी कौन सी सस्ती है? रोटी भी अगर देख लें, जो एक नॉर्मल तंदूर की रोटी है आप लेते हैं तो वो भी अच्छी खासी कॉस्ट खासी महंगी हो गई। कहाँ 2 रुपए की होती थी, 1-2 रुपए की मिलती थी और 6-7 रुपए की मिल रही है। लोग जो भूखों की तादाद में इतनी तेजी से इजाफा हो रहा है पाकिस्तान में, वर्ल्ड फूड वाले कह रहे हैं कि 10 करोड़ लोग इस मुल्क में अब प्रॉपर जो गजाइत चाहिए वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं। नहीं बिल्कुल, उनकी जो वर्किंग हुई होगी उस हिसाब से उनसे ही कह रहे हैं, लेकिन ये अरे 4 करोड़ की बात होती थी, अब 10 करोड़ की बात आ गई, क्योंकि इतनी इस दौरान महंगाई हुई। अब इस तरह के टैक्सेस आप लगाएंगे और ये टैक्सेस लगने के बाद तो ये आपकी फिगर एकदम से और ज़्यादा शूट कर जाएगी। अगर एक नॉर्मल जो ब्रेड है 17-18 रुपए की जो कंज्यूमर लेता है, वो अगर उसको 22 रुपए या 25 रुपए की ब्रेड मिलेगी, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो उस ब्रेड को परचेस कर सकता है या उस पोजिशन में हो कि वो परचेस करे उसको। तो इसके हवाले से हमें हो रहा है ये इस मुल्क में बिल्कुल देखना पड़ेगा और इसको रिवाइव करना पड़ेगा। गवर्नमेंट से बल्कि रिक्वेस्ट भी करनी पड़ेगी कि वो सब्सिडी भी दे। चलिए हम इस प्रोग्राम के तहत के जरिए से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इसको छोड़ दें, और अगर उनको ये आइडिया चाहिए कि कहाँ से टैक्स लिया जाए तो हम देते हैं उनको 10 आइडियाज़ देते हैं। पूरी दुनिया में जो टैक्स का निज़ाम है उसमें कहीं ऐसा नहीं होता कि आप अमीरों को बिल्कुल ही छोड़ दें जैसे यहाँ छोड़ा हुआ है, और गरीब जो रोटी है उस पर भी टैक्स लगा दें, उसके पेट्रोल पे भी लगा दें, उसके तेल पे भी लगा दें, उसके टेलीफोन पे भी लगा दें, उसके बिजली पे भी लगा दें। ब्रेड की कॉस्ट जैसे आप लोग कहते हैं ज़्यादा है, लेकिन वो इस हवाले से कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आप देख लें, पेट्रोल कहाँ चला गया है, गाड़ियों के रेंटल हैं, उसकी मेंटेनेंस है, उसकी सैलरीज हैं, वेजेस हैं, बहुत ज़्यादा। चलिए ब्रेड तो हो गया आपका मेन प्रोडक्ट, ठीक है ना, और मेन फोकस आपका है, उसके और साइड प्रोडक्ट्स आपने रस्क वगैरह बताया, उनकी क्या पोजीशन है? रस्क उस पर भी ड्यूटी लगेगा? उस पर भी ड्यूटी जैसे बेसिकली सबके ऊपर बन को छोड़ेंगे तो बन है, फ्रूट बन है, शीरमाल है, रस है, सब पे लग जाएगा। अब रस प्रोडक्ट एक हमारा ऐसा है कि जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हो रहा है, लेकिन इतनी तादाद में या इतनी क्वांटिटी में नहीं हो रहा, लेकिन अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे हैं इसके अंदर तो ये एक बड़ा अच्छा आइटम है, मार्जिनेबल आइटम है, जिसको हम रस को एक्सपोर्ट करके और रेवेन्यू जनरेट। क्या शेफ लाइव होती है रस? ये 6 महीने तक के आप इसीलिए एक्सपोर्टेबल, बाकी चीज़ें तो पेरिशेबल में आ जाती हैं, वो लोकली 1-2 दिन के अंदर। कराची का आपने बताया कि 23 फैक्ट्रीज हैं टोटल, मुल्क में कितनी है? इस पर 55 फैक्ट्रीज हैं पूरे थ्रू आउट पाकिस्तान। जी बिल्कुल, उस हवाले से इसमें लाहौर साइड थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है, फिर आप पेशावर में कम फैक्ट्रीज हैं उस साइड पे, पिंडी इस्लामाबाद में भी आपके फैक्ट्रीज हैं। अच्छा, अब एक और सेक्टर की तरफ हम आना चाहते हैं, ब्रेड की बात तो हो गई, कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री, उसमें भी आपने काम अब किया हुआ है। जी जी, ये बताइए कि कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और उसमें कौन से बड़े प्लेयर्स हैं और उनकी क्या पोजीशन है, क्या वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं हम लोग? कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी, इसका स्कोप है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है ये, लेकिन उस तरह से काम नहीं हो पा रहा। वो लाजिम बात है, गवर्नमेंट की सपोर्ट ऐसी नहीं है उसके अंदर। इसके अंदर हिलाल इस वक्त बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, सबसे बड़ा हिलाल है? जी हिलाल इस वक्त है। क्या परसेंटेज होगी उसकी? हिलाल मेरे ख्याल में 25-30% शेयर उसका होगा इस वक्त मार्केट का, जो हमने उसको थोड़ा बहुत एनालाइज किया है। बेसिकली कन्फेशी में मेरी बेसिक फील्ड नहीं है, लेकिन जो मैंने एनालाइज किया 26-30% उसका शेयर होगा। इसके बाद कैंडीलैंड ये बहुत तेज़ी से ऊपर आई है और बहुत अच्छा, इसने बहुत काम किया है कन्फेशी के हवाले से, बिस्किट पे काम कर रहे हैं, स्नैक्स पे उन्होंने काफ़ी काम किया है, कन्फेशी में कैंडीज़ पे काफ़ी काम किया है। और हिलाल के बाद अगर सेकंड नंबर पे कोई एक्सपोर्ट करें तो वो कैंडीलैंड ही है, जिसके एक्सपोर्ट भी दोनों एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट भी अच्छा कर रहे हैं, तो कैंडीलैंड काफ़ी है। आप लोग रस्क एक्सपोर्ट करते हैं? नहीं नहीं, अभी हमने नहीं शुरू किया, लेकिन ये है कि हमने, क्योंकि एक्सपोर्ट पे मैं ज़रा ध्यान देना चाह रहा हूँ। जी एक्सपोर्ट में इस वक्त मॉर्निंग फ्रेश है, डॉन ब्रेड है, ये कर रहे हैं, बेक पार्लर है, और कन्फेक्शनरी में हिलाल और कैंडीलैंड, हिलाल कैंडीलैंड है, इनके जरा सा मेजर शेयर है। बीपी भी आपकी कन्फेक्शनरी में एक्सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ये साउथ अफ्रीका साइड पे और इधर काफ़ी चीज़ें इसमें एक्सपोर्ट हो रही हैं, लेकिन ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एक्सपोर्ट के। और कौन कौन से प्लेयर्स हैं इसमें? कन्फेशी है में आपके बीपी है, उसके बाद कैडबरी तो ये मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें किटको है, मैफियर है। अच्छा। ये थोड़े से
आपके मिचल्स है जो अच्छा। उसमें काम कर रही हैं, जो लोकल फीड में अच्छा खासा इनका शेयर है, अच्छा खासा काम कर रही हैं। मिचल्स तो केचप वगैरह बनाती है ना? नहीं, कन्फेक्शनरी भी बनाती है। कन्फेक्शनरी एक इसकी टॉफी है, वो बहुत अच्छी और उसमें रिजल्ट चल रहा है। जो स्वीट हिल है, डेन पार्क है, इस टाइप से फैसलाबाद में दो तीन कंपनीज हैं। मतलब चार पांच बड़े कौन हैं जी? लेकिन जो बड़े हैं वो ये हिलाल है, बीपी है, इसके बाद आपका कैंडीलैंड है। कैंडीलैंड का शेयर है? कैंडीलैंड का शेयर इस वक्त जो है मेरे ख्याल में 20-25% शेयर होगा इसका। जी, इसका बड़ा शेयर है क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को स्प्रेड किया है कन्फेक्शनरी से हट के। बिस्किट भी आए इसके साथ, वो आपके स्नैक्स में भी आए। कर्लीज के प्रोडक्ट जो इनका, वो अच्छा प्रोडक्ट है जो इसमें अच्छा खासा मार्केट। अच्छा, ये जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं उसके कोई आपके फिगर है आपके पास कि कितना एक्सपोर्ट हो रहा है? ऐसे आपके पास नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट हो रहा है। हाँ, और इसमें पोटेंशियल आपके सामने? पोटेंशियल बहुत है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। कहाँ? ये अफ्रीका में या थ्रू आउट वर्ल्ड? थ्रू आउट वर्ल्ड जो है पाकिस्तानी मौजूद हैं। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तानी यहाँ से गए हुए या इंडियंस गए हुए जो हमारा प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं और उनको वो प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। दुबई में हैं, आपके यूरोप साइड चले जाएं, कनाडा चले जाएं, आप जहाँ पे भी जाते हैं आपको पाकिस्तानीज मिलते हैं वहाँ पे सारे। अच्छा, ये जो आप ड्यूटी की बात कर रहे हैं जीएसटी की, क्या इन कन्फेक्शनरी आइटम्स पे भी लगेगी? कन्फेक्शनरी पे का मुझे अभी इतना अंदाज़ा नहीं है, ना वहाँ से कोई ऐसी बात हुई है उनसे। अच्छा, लेकिन यह है कि जो ब्रेड का जैसे मैंने आपको बताया इसके ऊपर तो कंफर्म। ये जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उस पर तो खासी गवर्नमेंट ने पहले वो इंसेंटिव दी हुई थी, रिबेट देते थे, ड्यूटी ड्रॉबैक्स था। जी हाँ, काफ़ी फैसिलिटीज़ थी पहले तो, उस वक्त थोड़ी एक्सपोर्ट ज़्यादा भी हो रही थी। और जैसे जैसे चीज़ें आगे पीछे होती हैं, टैक्सेस बढ़ जाते हैं, दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। अब देखें, कन्फेक्शनरी के अंदर भी आपका मेन प्रोडक्ट जो है शुगर है। अच्छा, और शुगर के प्राइस आप कहाँ चले गए? उस प्राइस को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आप शुगर बनाएंगे, कैंडी बनाएंगे कैसे? उसमें मेजर शेयर जो है, मेन प्रोडक्ट जो है वो चीनी तो को ही कन्वर्ट कर रहे हैं बेसिकली। हाँ, आप कन्फेक्शनरी में, कैंडीज में, तो जब आप शुगर की प्राइस का इतनी इंक्रीज हो गई है, इतनी ज़्यादा चली गई, तो आप किस तरह से प्रोडक्ट बनाते हैं, किस तरह से आपका सर्वाइवल में शुगर की कीमत बढ़ी है, तो आपको इतना फर्क पड़ना नहीं चाहिए क्योंकि कोई दूसरा भी जब बनाएगा तो वो महंगा ही बनाएगा। देखिए, आपके पास जो आपकी कंट्री है, यहाँ पे परचेजिंग पावर क्या है? एक रुपये वाली कैंडी भी खरीदने के लिए उस प्रॉब्लम है। एक बच्चा जो घर से लेके जाता है 5 रुपये का, लो तो वो किस तरह से वो 1-1 रुपए की कैंडी लेता है? अच्छा, विद इन द मार्केट आप विद इन द कंट्री आप ये कह रहे हैं कि उस हवाले से कीमतें बढ़ गई, तो पहले जो 8 आने की और 4 आने की चीजें मिलती थी तो खत्म हो गई, वो खत्म, अब 1-2 रुपए की हो गई, 2 रुपए की। ये बड़ा बैरियर है मार्केट में, जिसकी वजह से इनको भी अफेक्ट हुआ है, काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ है उस हवाले से। एक्सपोर्ट में इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि एक्सपोर्ट तो दुनिया में बढ़ी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट के हवाले से आप जहाँ पे जिस एरिया में जा रहे हैं वहाँ पे सिर्फ एक आप नहीं है और दूसरी भी है जो इस मल्टीनेशनल कंपनीज भी उसमें इन्वॉल्व हैं। चॉकलेट जैसे कैडबरी है, वो चॉकलेट बनाती है, बहुत अच्छी चॉकलेट बनाती है, तो आप उसको कम्पीट करने के लिए आपको बहुत चीज़ें चाहिए। लेकिन जब आपका कोको पाउडर ही इतना महंगा हो गया है जिससे आप चॉकलेट डेवलप करते हैं, मिल्क पाउडर की कॉस्ट इतनी बढ़ गई है जिससे आप वो डेवलप करते हैं, तो आप उनसे कम्पीट नहीं कर सकते, जो आप उनके मुकाबले पे उसको किसी। लेकिन उनके यहाँ जनरली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हर चीज़ की ज़्यादा है ना, हमारे यहाँ तो लेबर का तो एडवांटेज है ना? लेबर का एडवांटेज है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको देखना पड़ता है ना, अगर कैडबरी हो या रिंगलेस हो या चिकलेट्स हो, बबल गम की चले हम बात कर लेते हैं। बबल गम जो चिकलेट्स और उसके आते हैं बड़े महंगे होते हैं, कीजिए महंगी, और पाकिस्तानी कंपनीज ने, डेनवर एक कंपनी थी उसने बड़ा कंपटीशन दिया था इनको अफ्रीका में, जब वो 8 आने के बबल गम एक्सपोर्ट करने लगे डाइनो के नाम से, जबकि उसी वक्त अफ्रीका में चिकलेट्स और रिंगलेस वगैरह 8-9 रुपए के आ रहे थे, अब वो मार्केट में छा गई थी, वो कंपनी बाद में बंद हो गई, वो अलग बात है, स्टोरीज की अलग है, लेकिन एडवांटेजेस तो हैं हमारे। नहीं नहीं, बिल्कुल एडवांटेजेस है ना, वही चीनी वो भी खरीद रहा है, रिंगलेस भी खरीद रहा है, वही गम वो भी खरीद रहा है, जी बिल्कुल, इंटरनेशनल मार्केट से ही खरीद रहा है ना। इसी तरह अगर आप कैडबरी की बात करें तो ठीक है, कैडबरी भी तो कोकोआ तो दुनिया में एक मार्केट उसकी है, जी बिल्कुल, चाहे वो अमेरिका में आप लेके जाएं या पाकिस्तान में उसको प्रोसेस करें, और इसी यही वजह है कि बहुत सारी कंपनीज ने यहाँ प्रोडक्शन अपना बनाया है। यहाँ प्रोडक्शन आपने बनाया ज़रूर है, लेकिन अगर आप कोको पाउडर इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे जो उस पर टैक्सेस और ओवरहेड्स लगाते हैं, तो वो आप उनसे फिर जाके कम्पीट नहीं कर सकते। अच्छा।
उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम है, आप इसलिए चॉकलेट को उस तरह से एक्सपोर्ट नहीं करते या उतनी बेहतर क्वालिटी की डेवलप नहीं कर पाते हैं उस हवाले से कि आपके ओवरहेड्स मैच नहीं करते उसमें, वो चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर जाती हैं उसमें थोड़ी सी। सही। इसके अलावा आप समझते हैं कि जो ये तो खैर स्पेसिफिक इस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, उसके अलावा जो जनरल प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं जो कि तमाम इंडस्ट्रीज फेस कर रहे हैं वो क्या क्या हैं, थोड़े से उसको हाईलाइट करें ताकि वो आपके कंप्लेंट्स जो है पब्लिक तक पहुँचे। लेबर के एंड से भी प्रॉब्लम आता है राज्य में, आता है हम एक एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, लेबर्स को दे रहे हैं, अप्लाई करते हैं, लेकिन यह है कि हमें लोकल लेबर नहीं मिलती यहाँ पे, उसकी वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमें लेबर के एंड से। फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी कुछ हैं जो हमें इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, उनके हवाले से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम। सपोर्ट नहीं करते या तंग करते हैं सही बात बताया ना, सपोर्ट कह लीजिए कि वो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं हमें। गवर्नमेंट सपोर्ट क्या करेगी आप? गवर्नमेंट को बहुत सी चीज़ों में हेल्प करनी चाहिए इंडस्ट्री को, अगर ये इंडस्ट्री ग्रोथ होती है, ब्रेड इंडस्ट्री या कन्फेक्शनरी है या एक्स वाई जेड कोई भी इंडस्ट्री है, अगर लगती है और ग्रोथ करती है तो आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, आपके यहाँ माशियत में बड़ा फ़र्क पड़ता है, उससे रेवेन्यू आपका जनरेट होता है, लाजिम आता है। इंडस्ट्री देखें जब लगती है हमारे पास 10 किस्म का रॉ मटेरियल आ रहा है तो वो 10 फैक्ट्रीज को भी सपोर्ट कर फ्लॉरिश होती है, हम उनको भी सपोर्ट कर रहे होते हैं बेसिकली। एक सिर्फ ब्रेड, हम अब सोना ब्रेड को जैसे हम इस्टेब्लिश नहीं कर रहे, हम इसके साथ जितनी सप्लाईज हमें आ रही हैं सप्लाई चेन को भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, हम उनके ऊपर भी जा रहे हैं, उनके ऊपर भी काम कर रहे हैं। इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो उस हवाले से गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको इंडस्ट्रियल, हम बात ज़रूर करते हैं यहाँ पे बैठ के बहुत बात करते हैं, लेकिन हमें उस टाइप की सपोर्ट्स और हेल्प नहीं मिलती है। कौन सा डिपार्टमेंट आप लोग ओवरलुक करता है कन्फेक्शनरी एंड ब्रेड इंडस्ट्री को? इसमें लेबर डिपार्टमेंट है उसमें, वो तो जनरली सभी के लिए। उसके अलावा आपके फूड डिपार्टमेंट, हमारे जैसे ब्रेड के अंदर अगर आप आ जाते हैं तो फूड डिपार्टमेंट फूड क्या करता है आके, क्या चेक करता है वो? बहरहाल वो उनका एक काम है कि वो उन्होंने आके क्वालिटी को देखना है, हमारी प्रोडक्ट को देखना है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है किसी चीज़ को है तो वो आप हमें बिल्कुल बताएं, हमें फ़ाइन करें, हमें चार्ज करें। फाइन करते हैं लेकिन जी रेगुलर बेसिस पे करते हैं। सेकेंड ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो ब्रांडेड हम ले रहे हैं, हमें सप्लायर है, अगर उसकी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है या उस ब्रांड में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको फाइन करें या उसको आप चार्ज करें। अच्छा, उसको भी आप पे फाइन तो कर वो दें। जो हमारी प्रोडक्ट में वो यूज़ कर रहे हैं तो वो अब उसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट ख़राब होती है, उसकी क्वालिटी अफेक्ट होती है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते कि हम ब्रांडेड प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं अगर उसमें कोई प्रॉब्लम। तो जैसे आप उसमें नॉर्मली हमारी कोशिश होती है कि वो प्रोडक्ट भी मार्केट में ना जाए, उसको हम सेव कर रिजेक्ट कर देते हैं, क्वालिटी वाले क्यूसी वाले उसको रिजेक्ट करते हैं, लेकिन उसकी वजह से भी हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि आपके इनपुट में मैदा आ रहा है आपके पास, घी आ रहा है आपके पास, चीनी आ रहा है, अगर वो सब तो आप किसी न किसी रिकॉग्नाइज कंपनी से ही लेते जी, हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अंदर कोई उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क हो तो उसको जाके क्यों नहीं पकड़ते, आपको क्यों पकड़ लेते उसके लिए? उसमें जो उनका हमारा अपने थोड़ा सा ये है कि उनको पकड़ना चाहिए और हम भी उनको कंप्लेन करते हैं, लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि ब्रेड अगर एक चीज़ बन रही है उसमें जितने मटेरियल रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं अगर वो अपडेट नहीं है, अपग्रेड नहीं है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको थोड़ा सा और बेहतर करें ताकि जो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बिस्किट जैसे बन रहा है, बेसिक इंग्रेडिएंट्स तो यही है, मैदा है, चीनी है, घी है, तो अगर वो बेहतर क्वालिटी के होता है, उसकी क्वालिटी बेहतर होती है तो प्रोडक्ट भी आपकी बेहतर मिलती है, आवाम को प्रोडक्ट अच्छी मिलती है। दूसरे फिर ये जो डिपार्टमेंट्स हैं तो बेसिकली उन जगहों पे जाके उनको बेहतर तरीके से उसको वो करें ताकि प्रोडक्ट हमें बेहतर, रॉ मटेरियल हमें बेहतर मिले और हम बेहतर चीज़ प्रोड्यूस कर सकें उसको। इसके अलावा फूड के अलावा और कौन से डिपार्टमेंट्स आपको इफेक्ट करते हैं? और कोई ऐसा खास नहीं है, जैसे सोशल सिक्योरिटी का है, UBI है, लेकिन यह है कि उसकी एक फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हम करते रहते हैं, वो भी हमारे उसके आप देते हैं, फीस वगैरह देते हैं, वो तो जो बट KEC वगैरह का क्या आपको सपोर्ट मिलता है? KEC का तो ओवरऑल पाकिस्तान में जो इस वक्त पोजिशन है वो सबके सामने ही, बिजली के सामने ही है, लेकिन उसके लिए यह है कि अब हमने जनरेटर यूज़ कर रहे हैं उस हवाले से, तो वो अब जनरेटर पे भी चार्जेस हैं, उसके भी पेमेंट हैं, वो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो नहीं, तो जनरेटर तो आपने इसलिए लगाया ना कि KEC ने बिजली नहीं दी, KEC की बिजली नहीं आ रही तो हम जनरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर भी पेनल्टी लगती है, पेनल्टीज है, उसके बिल आता है, काम बिल किस बात का बिल, वो आई डोंट नो कि वो किस चीज़ का उन्होंने बिल लगाया, उन्होंने बिजली ना दी उसका बिल, हाँ ये कह लीजिए आप, अच्छा कह सकते हैं, दो तभी बिल ना दो तभी बिल, वो ये क्योंकि देखें जब आपके इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपने पेरिशेबल आइटम को तो टाइम के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसको बेकिंग करनी है या मिक्सिंग करनी है,
अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो वो प्रोडक्ट आपका ख़राब हो जाता है, आपका रॉ मटेरियल ख़राब हो जाता है। आप जनरेटर से प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए भी प्रॉब्लम्स हैं आपके हवाले से, आपकी चीज़ें भाई आप जनरेटर चला रहे हैं तो एक तरह से केसी को गवर्नमेंट को हम हेल्प कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं। जाहिर है जो इसका रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को महंगा पड़ता है। जी महंगा पड़ता है ना, एक छोटे से यूनिट को वो कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसी तो नहीं होती। बिल्कुल वो तो बजाय ये कि गवर्नमेंट आपको कुछ उसके बदले में रिवॉर्ड दे, उल्टा वो चार्ज करती है। जी हाँ, उस पे भी कुछ किलो कितना क्या अच्छा खासा चार्ज है या मामूली सा? नहीं मामूली सा, मामूली सा चार्ज है लेकिन है, लेकिन चार्ज है। अच्छा, क्या ये जनरेटर लगाने के लिए परमिशन भी लेना पड़ता है? जी परमिशन, विदाउट आप वैसे नहीं लगा सकते। वैसे लोगों ने लगाई में है लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट पकड़ने तो ये बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान की जो हम एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं इस वक्त, क्या आपकी तजवीज़ होगी, गवर्नमेंट आपको क्या सपोर्ट दे कि जैसे आपके एरिया में रस्क है? देखिए और कन्फेक्शनरी तो में जो हमने कहा कि कम से कम स्वीट्स वाला तो हमें एडवांटेज है, स्वीट्स पे है। सेकंड ये कि आप बबल गम, हमारा जो बबल गम एक जमाने में बहुत ज़्यादा अभी भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता रहा है और होता होगा आगे अगर हम करना। सबसे पहले तो रॉ मटेरियल है, जो अगर रॉ मटेरियल जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके प्राइजेस कम नहीं होती हैं या उसके ऊपर आपको वो तो कभी नहीं होगी, इंसेंटिव नहीं मिलते कम करने का, तो आप भूल जाएं। देखें उसके अंदर आप प्राइस एक लिमिट तक तो बढ़ा सकते हैं ना, उससे ऊपर आप जा नहीं सकते। आप देखें कि एक 50 रुपए की ब्रेड हो गई है जो किसी ज़माने में 25 रुपए की या 22 रुपए की ब्रेड थी, 50 रुपए। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये 100 रुपए की हो जाएगी बहुत जल्द। क्यों? एक तरफ अमेरिका बहादुर नोट डॉलर छाप रहा है, इसलिए दुनिया भर के हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, चाहे कोई भी चीज़ लेकिन जो हमारा हमारा कॉटन जो होता था 2500 का होता था 14000 का हो गया, हमें भी एडवांटेज मिला। पेट्रोल 24-25 डॉलर में बड़े खुशी खुशी बिकता था 2003 में, अब 120-130 पे बिक रहा है। वजह क्या है कि अमेरिका ने पिछले 3-4 साल में 4000 बिलियन नोट छाप के दुनिया में बांट दिया। इसी तरह मुल्क के अंदर आप देखें कि इस वक्त 1500 बिलियन नोट गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा ज़रूरत से ज़्यादा गवर्नमेंट को दिया हुआ है। तो ये 1500 बिलियन नोट घूम रहा है, अब वो चार दफ़ा टर्न अराउंड कर रहा है तो 6000 बिलियन का इफेक्ट आ रहा है। किसी चीज़ की कीमत कम करने का तो आप सोचे ही नहीं आइंदा, ना पाकिस्तान में ना इंटरनेशनली, जब तक अमेरिका डोमिनेट कर रहा है इकॉनमी को आपके। नहीं देखिए आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये अच्छा ये जो असल कीमत की बढ़ाई नहीं है। अगर आप येन में येन को अगर आप स्टैंडर्ड बना लें, 75 में जो रेट था डॉलर का येन का, अगर उसको आप स्टैंडर्ड बना लें तो किसी चीज़ की कीमत नहीं बढ़ी है। आप कीमत डॉलर में ना लगाएं, येन में लगाएं। ठीक है, 75 में जितने येन का आता था आज भी उतने ही का आ रहा है। ये एक अलग बात है कि हम लोग ने क्योंकि पूरा दुनिया के स्टैंडर्ड हमने डॉलर में बनाया हुआ है तो हमको वही 24 डॉलर जो है अब 125 डॉलर हो गया है ये बैरल में, हमें लगता है बहुत महंगा। येन में अभी भी उतने ही का है, ये डॉलर 1/4 हो गया ना। एक ज़माने में 85 तक डॉलर एक डॉलर के अगेंस्ट 244 येन मिलता था, आज कितना मिल रहा है? 80 मिल रहा है, यानी 1/3 हो गया। जी बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो 3 गुना तो होना ही है आपको डॉलर में, और रुपए में उससे भी ज़्यादा होना है, इसलिए कि एक तो डॉलर का इम्पैक्ट आ रहा है, दूसरा रुपीज़ का इम्पैक्ट आ रहा है। आपको क्या ज़रूरत है, 100 बिलियन की ज़रूरत है, आपने 1600 बिलियन नोट छापा हुआ है तो उसका तो इम्पैक्ट आएगा। किसी चीज़ की कीमत कम नहीं होगी। अब इसी इन्फ्लेशन, इंटरनेशनल एंड लोकल इन्फ्लेशन को लेके ही आपको आगे बढ़ना है। अच्छा, एक एडवांटेज ये है कि जो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन है, कोई वही चीज़ अगर दुबई में बन रही तो उसको भी वही इम्पैक्ट आ रहा है जो यहाँ आ रहा है। सही, ये अच्छी बात है एज लॉन्ग एज देर इन डॉलर्स। जो येन में जिसने अपने आपको पैक किया हुआ है उसको प्रॉब्लम दूसरा है, तो अब कम होने का तो सवाल है नहीं, बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर जैसे कि गवर्नमेंट ये कर सकती है कि बहुत सारे जो फूड आइटम, आपकी बात इस तरह से सही हो सकती है कि अगर जैसे आपने कहा कि अभी 17% ड्यूटी लगा रहे हैं ब्रेड पर डायरेक्ट, और अगर ऐसे ही ड्यूटी मिसाल के तौर पर घी पे भी लगा हुआ है, मैदे पे भी लगा हुआ है, उसको अगर विड्रॉ कर ले ये सोचते हुए कि भाई ये चीज़ें जो है ना डायरेक्टली आवाम को इफेक्ट कर रही हैं, इससे हम विड्रॉ कर लेते हैं और इतने ही रेवेन्यू जो हमें जनरेट, तो गवर्नमेंट तो चलाना है, उसके लिए हम कहीं और से ले लें। बहुत सारे अल्टरनेटिव टैक्सेस हैं, दुनिया भर में डायरेक्ट टैक्सेस पूरे हर आदमी से लिया जाता है। यहाँ पता चला एग्रीकल्चर वाला नहीं देगा, फलाना नहीं देगा, बहुत कम लोग, 2 लाख लोग, 17 करोड़ में से 2-3 लाख लोग टैक्स देते हैं। इसी तरह यहाँ वेल्थ टैक्स नहीं लगा हुआ, इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगा हुआ, ये सब टैक्सेस दुनिया भर में स्टैंडर्ड है।
ये डायरेक्टली अमीरों से जाके लिया जाता है, गरीब को छोड़ दिया जाता है। तो ये जो हमारा टैक्सेशन का निज़ाम है, अब हम इस प्रोग्राम के जरिए गवर्नमेंट को अपील ही कर सकते हैं, हाथ ही जोड़ सकते हैं। मेरी भी ये आपके प्रोग्राम के थ्रू एक अपील है, या आप इसको कह लें कि ये जो टैक्स अगर हम लगा रहे हैं, इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो आवाम के ऊपर ही आएगा। और एक मैं नहीं समझता कि जो 18 रुपये या 17 रुपये की ब्रेड खरीदने वाला 25 रुपये की ब्रेड खरीदेगा, मैं नहीं समझ सकता हूँ। और अल्टीमेट इसका इफेक्ट हम पे आएगा, क्योंकि सैलरी जब हमारी से नहीं बढ़ रही है, सैलरी प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ रही है। सेकंड ये है कि इसका इफेक्ट हम पे इस तरह से आएगा कि हमारी सेल जो है वो और सैचुरेट हो जाएगी और कम होती चली जाएगी। जब आप नंबर ऑफ ब्रेड, नंबर ऑफ पीसेज नहीं बिकेंगे, तो आपके ओवरहेड्स तो आपने किए हुए हैं उसी तरह से, एक मार्केट को कम्पीट करने के लिए आपने ओवरहेड एक्सपेंस तो किए हुए हैं। और अच्छा, जैसे एक फैमिली है, गरीब होती चली जा रही है, इसी अमेरिकन इन्फ्लेशन, इंटरनेशनल इन्फ्लेशन, पाकिस्तानी इन्फ्लेशन मिलके उसको तबाह कर रहा है बिल्कुल। 6,000-8,000 तनख्वाह थी, अब वो ब्रेड, तो ये जो डबल रोटी से अगर वो स्विच करेगा तो किस पे करेगा, उससे नीचे क्या है? डबल रोटी के बाद एक रोटी रह जाती है जो उसको मिल, लेकिन वो भी अब 2 रुपये की रोटी रही नहीं है, 6-8 रुपये की रोटी मिल रही है। और जब आप कहते हैं ब्रेड के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, तो बेसिकली ब्रेड जो है रोटी का ही नाम है, उर्दू में ब्रेड को रोटी ही कहा जाता है। तो इसका मतलब है आप रोटी के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं, अगर उस पर भी टैक्स लगा लें तो वो भी 6 रुपये वाली रोटी 8 रुपये की हो जाती है, 9 रुपये की हो जाती है, तो वो कैसे सर्वाइवल होगा उसका? एक वो जो चीपर अल्टरनेटिव है नहीं, है नहीं उसके देखा जाए नहीं। मगर जैसे कि 1 पाउंड का आपका एक ब्रेड होता है, आपने बताया 29 रुपीज का भी है, 29 टैक्स लगने के बाद 34 का होगा, मे बी के वो 1-2 रुपए आपको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बिल्कुल जो भी उस पर कॉस्ट आएगी वो बढ़ जाएगी, और बहुत सारी दर्सरी होगी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, उसके गेट पास देने पड़ेंगे, बहुत सी चीजें उसमें आप कहेंगे वो लगने के बाद उसका सही अंदाजा होगा कि उसके बाद क्या हमें और करना पड़ेगा। मे बी के वो 1 पाउंड मैंने एक ब्रेड लिया, मैं एक फैमिली हूँ, 36 रुपए का, या अभी विदाउट टैक्स 29 का, उतनी ही 29 में हाउ मच रोटी मैं बाई कर सकता हूँ, कितना पाउंड का मटेरियल मैं बाई कर सकता हूँ टू इकोनोमाइज टू। देखें, जो नॉर्मली रोटी जो आपको तंदूर पे मिलती है वो 110 ग्राम उसका वेट होता है, बेक अच्छा। होने के बाद वो 100 ग्राम्स की तकरीबन रहती है ब्रेड। तो अगर 6 रुपए की भी एक ब्रेड है तो आप 4 ब्रेड या 5 रोटी खरीद सकते हैं, 30 रुपए की 5 रोटी खरीद सकते हैं। अच्छा, तो वो ऑलमोस्ट एक पाउंड ही हो गया जी, हाफ किलो ही हो गया, ऑलमोस्ट हाफ किलो ही हो गया, वो 5 रोटी के बराबर, 5 रोटी के बराबर, 5 रोटी की कीमत भी जो है वो 30 रुपए, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा कोई उस हिसाब से अगर आप देखें तो कोई ऐसा फर्क नहीं। लेकिन अगर वो आप इसको और बढ़ा देते हैं प्राइस, अब ये ब्रेड आपकी रोटी जो है वो 30 रुपए की मिल रही है और ये 36 रुपए की या 35 रुपए की ब्रेड हो जाती है, तो फिर उसके लिए और प्रॉब्लम्स होंगे, तो बस आप भूखों के में इजाफा कर देंगे बेसिकली। ये जैसे होता ना कि भाई एक लग्जरी हम केक खा रहे थे भाई, जैसे फ्रांस के रूलर ने कहा कि लोगों से कहो केक खा लें, उसको पता ही नहीं था कि केक और रोटी में क्या फ़र्क है, और रोटी नहीं मिल रहा था क्या मसला है, केक खा लो। तो अब अगर पहले हम ये कह सकते थे कि लोग बड़े लोग खाते हैं ब्रेड और गरीब खाता है रोटी, आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली दोनों ही की कीमत एक हो चुकी है जी, बराबर। और वो स्विच भी करता है तो देयर इज नो चीपर अल्टरनेटिव, कोई चीपर नहीं है, वो वही चीज है। आप भूखे मर जाओ, वो आप अगर 30 रुपए की रोटी नहीं खरीद सकते भूखे मर जाओ जी, बिल्कुल यही हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है, केक खाओ या भूखे मरो। अब ये बड़ी अच्छी बात हुई, और खासतौर से आपने एक ऐसे आइटम के बारे में बात की जो कि सर्वाइवल का इशू बन गया है इस वक्त जी, बिल्कुल। और आई होप कि आपकी बात मानी जाए और इस पर ड्यूटी ना लगे डायरेक्ट आपके ऊपर, ब्लड के आप लोगों के जो इनपुट चीज़ें हैं जो कि डबल रोटी बनाने में भी काम आ रहा है, आटा है, घी है, इन चीज़ों पे भी अगर कोई ड्यूटी गवर्नमेंट ने लगाई हुई है उसको विड्रॉ करें ताकि लोगों को कुछ रिलीफ मिले, आपके कारोबार में भी बेहतरी आए जी, बिल्कुल। इसके आई होप कि हम गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हाथ जोड़ जी हाँ, बिल्कुल आपके एंड से ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये चीज़ें कम हो जाएं, प्राइजेज हमें थोड़ी सी सब्सिडी दी जाए, तो आवाम को एक बेहतर प्रोडक्ट जी जी और कम प्राइस में एक अच्छी ब्रेड कम प्राइस में उनको मिल सके, और अपना खर्च जो या तो खर्चे को कम करना या कोई और जरिए से आप टैक्स जमा करें, आपके यू आर फ्री टू डू इट जी। हमने जैसे 2-3 टैक्सेस का आइडेंटिफाई किया, आप क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करते, कौन रोक रहा है आपको? आप 17 करोड़ आवाम को बचाने के लिए अगर थोड़े से लोग नाराज भी होते तो हुआ करें। सही साहब, प्रोग्राम खत्म करना पड़ रहा है, टाइम खत्म हो गया। नाज़रीन, ब्रेड इंडस्ट्री एंड कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में आपने ये डिस्कशन सुनी, एक बहुत ही गंभीर इशू यहाँ पे सामने आया है कि ये इंडस्ट्री जो कि एक सर्वाइवल
प्रोवाइड करती है, लोगों को बेसिक न्यूट्रिशन देती है, गवर्नमेंट उसके ऊपर भी मजीद 17% टैक्स लगाने जा रही है। रफत साहब ने ये साबित किया है कि डबल रोटी और रोटी की कीमत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है और ये एक सर्वाइवल की चीज़ है, इसके कोई अल्टरनेटिव चीपर अल्टरनेटिव नहीं है। जब इसकी कीमत मजीद बढ़ जाएगी तो हमारे मुल्क में भूखे लोगों में और इजाफा होगा। हम हुकूमत से इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर ड्यूटी ना लगे और लोगों को मजीद भूख से मरने से रोकें। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ, खुदा हाफिज़।